गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ओट्स का रोटी, तो आप लोग को वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये एक कप ओट्स है, इसे मैं पीस लूँगी अच्छे से। देखिए, इसे मैंने पीस लिया है, एकदम बारीक से पीस लिया। और एक कप आटा ली हूँ और आटा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और ये दोनों को मिक्स करके मैं रोटी बनाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी रोटी बनेगा। आटा भी ऐसे भी हेल्दी है और प्लस ओट्स तो और भी हेल्दी है, आप लोगों को पता ही है। तो अब इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और नमक थोड़ी, और थोड़ी डालूंगी घी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लूंगी बढ़िया सा। पहले इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और यह हेल्दी भी है। इसे मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसका एक मैं डो बनाऊँगी, अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाऊँगी। देखिए, मैंने डो बना लिया है, इसे मैंने गर्म पानी से गूँथी हूँ। देखिए, बढ़िया से एक डो बना लिया है। अब इसको मैं रोटी बनाऊँगी। देखिए, चार पेड़ा काट लिया है मैंने। अब इसे मैं बेलूंगी, ये बिल्कुल नहीं फटेगा, आप लोग देखिएगा। बढ़िया से एकदम अच्छा गोल बनेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा ये। और इसे जितना भी पतला बना सकते हो, कुछ नहीं होगा, फटेगा नहीं ये। देखिए, इतना अच्छा से गोल हो रहा है। और चारों को मैं इसी तरीक़े से बेल लूँगी। देखिए कितना पतला बेली हूँ मैंने, बिल्कुल नहीं फटा है और इतना बढ़िया सा गोल हुआ है। अब इसे मैं पकाती हूँ। देखिए, तवे गरम है, तो अब इसे मैं अच्छे से सेकूँगी नीचे तरफ। मैं 5-6 सेकेंड पहले सेक लूँगी, उसके बाद इसे पलटूँगी। देखिए, अब इसे मैं पलट दूँगी। अब इसमें मैं लगाऊंगी घी थोड़ी, तो आप लोग चाहे तो इसमें रिफाइंड भी लगा सकते हो, जो आप लोग को चॉइस है वो। तो घी लगा लिया मैंने इसमें। अब इसे मैं अच्छे से पका लूंगी। देखिए कितना बढ़िया से ये बन चुका है। और इसी तरीक़े से मैं सारे रोटी बना लूँगी। और आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, बच्चा के लिए भी बहुत ही हेल्दी है ये। देखिए, इसी तरीक़े से मैं सारे रोटी बना लूँगी। देखिए इतना सॉफ्ट बनता है, देखिए सारा बन के रेडी है। देखिए इतना सॉफ्ट होता है ये, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।